चैनल बोल स्काई और मैं हूँ आपकी दोस्त खुशबू। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे एक बहुत टेस्टी सी रेसिपी जो है राज कचौड़ी। जी हाँ, अलग अलग फ्लेवर से भरपूर राज कचौड़ी जिसमें तीखा, खट्टा, मीठा हर तरह का फ्लेवर होता है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ घर पर ही राज कचौड़ी बनाना। तो दोस्तों हम सबसे पहले राज कचौड़ी बनाने के लिए उसका डो तैयार करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 125 ग्राम मैदा, यानी कि 125 ग्राम हम मैदा मिलाएंगे। सबसे पहले हमने मैदा डाल लिया है, अब इसमें हम 40 ग्राम सूजी मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें एक पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और उसके बाद हम लास्ट में थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। तो अब हम इन सब चीज़ों को एक साथ दोस्तों पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालकर इसका पूरी की जैसा एक डो तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे इसको डो तैयार कर रहे हैं इसका। तो दोस्तों देखिए आप, हमारा डो बनके तैयार हो गया है। इसके लिए हमें एक कप पानी चाहिए था। इसी तरह से आप भी अपने घर पर एक पूड़ी के जैसा एक डो तैयार कर लें। तो दोस्तों अब हमने इसे 20 मिनट के लिए रखा था। अब हम इस डो की लोई बेलेंगे और फिर उसे सेकेंगे। अब हम इसकी लोई बना बना के डालेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसकी लोई बना रहे हैं। आप देख सकते हैं अब हमने इसे पूड़ी की तरह बेल लिया है। अब हम इसे धीरे धीरे करके तेल में डालेंगे। अब हमने इसको धीरे से तेल में डाला है। आप देख सकते हैं हमारी राज कचौड़ी कितनी बढ़िया फूली है। इस तरह से हम उसके ऊपर हम धीरे धीरे तेल डालेंगे ताकि वो अच्छे से ब्राउनिश हो जाए। इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे दोस्तों। हल्की सी ब्राउनिश होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितनी बढ़िया ब्राउन हुई है। आप इसको अपनी पोनी से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए चारों तरफ से। अब हम अपनी राज कचौड़ी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमें राज कचौड़ी की फिलिंग के लिए जो सामान चाहिए वो है उबला हुआ आलू, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, मोठ की दाल जो हमने बॉईल करके रखी है, दही, भुना हुआ जीरा, नमक स्वाद अनुसार, काला नमक, लाल मिर्च, धनिया पत्ता, हरी चटनी जो हमने घर में ही पीसी है, सौंठ, कटी हुई प्याज और लास्ट में दाल मोठ। सबसे पहले हम इसमें एक होल कर लेंगे बीच में। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे उबला हुआ आलू थोड़ा सा। इसके बाद हम डालेंगे दो पकौड़ियाँ मूंग की दाल की। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी मोठ की दाल डालेंगे जो हमने उबाल के रखी थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ दही फेंट के रखा हुआ है, इसके अंदर दही भरेंगे हम। इस तरह से हमने दही भर दिया इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले भुना हुआ जीरा थोड़ा सा, उसके बाद सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद काला नमक डालेंगे हम थोड़ा सा, फिर थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके बाद हम अपनी चटनियाँ डालेंगे जो हमने घर में बनाई है। सबसे पहले हम इसमें हरी चटनी डालेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी घर में बनी हुई मीठी सौंठ। इस तरह से हमने मीठी सौंठ डाल ली हमने। अब इसके ऊपर हम डालेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद आप इसमें दही थोड़ा सा और डाल सकते हैं ऊपर से। फिर उसके बाद हम डालेंगे दाल मोठ ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और लास्ट में हम धनिया पत्ता डालेंगे। तो दोस्तों हमारी राज कचौड़ी बनके तैयार है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं।